हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं नंदी, कैसे हैं आप सब। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे लेडीज हमें सवाल करके पूछ रही थी कि मैम अपने छोटे स्तन को किस तरीके से इम्प्रूव करें, उसे किस तरीके से बड़ा करें और कौन सी चीज़ों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि उनके जो पार्टनर होते हैं, जो उनके दोस्त होते हैं, उनके स्तन मतलब कि अगर छोटा स्तन होता है तो कम कम्फर्टेबल फील महसूस करती हैं, अगर बड़ा होता है, सही होता है, तो वहाँ पर उनका जो कम्फर्टेबल है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और अपने अंदर से उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है, खुशी होती है। तो आज वही हम आपको यहाँ पर बताने वाले कि अगर आपका भी स्तन अगर छोटा है, अगर उसे बड़ा करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करें। यहाँ पर बहुत इजीली होम रेमेडीज आपको ऐसे बताने वाले हैं जो कि इसका इस्तेमाल करके आप अपने, अगर आपका स्तन छोटा है या फिर अगर आपका स्तन का जो स्किन है काफ़ी ढीली हो गई है, अगर नीचे की तरफ अगर लटक रही है तो उन सारी समस्या दूर हो जाएगी इस नुस्खे से। दोस्तों, हम आपको बता दें, अगर चैनल पर नए हैं, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा आप लोगों को मिलते रहे। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो और भी लेडीज़ में और भी अपने दोस्तों में शेयर करें और उन वीडियो को दिखाएं, ताकि जिन भी लोगों में छोटे स्तन या फिर ढीले स्तन की प्रॉब्लम है, इस नुस्खे से अपने समस्या को इजीली तरीके से दूर कर सके। तो चलिए, आज हम सबसे पहले इस नुस्खे में बात करने वाले हैं दोस्तों, वह है पपाया, यानी कि पपीता। जी हाँ, पपीता जो होता है इसमें एस्ट्रोजन काफ़ी अच्छे मात्रा में पाया जाता है और स्तन को छोटा होने का पीछे का जो मेन कारण होता है वो होता है एस्ट्रोजन। अगर आपके शरीर में एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स है, अगर उसकी कमी होने लगती है, अगर उसकी हानि होने लगती है, तो आपका जो स्तन है उसका विकास नहीं हो पाता है। इसमें रक्त का ब्लड जो है ना, अच्छे से जो ब्लड का जो ग्रोथ है वो बहुत ही धीमी मात्रा में होता है और इसलिए वहाँ पर जो है उसका विकास होना बंद हो जाता है। और दूसरा है दोस्तों सौंफ। आप सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सौंफ भिगाकर सुबह उसके पानी को पीजिए और सौंफ को चबा चबा कर खाएं। इसमें भी कई सारे से विटामिन्स होते हैं, इसमें भी एस्ट्रोजन अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपके स्तन के आकार के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है। दूसरी बात कि जो सौंफ होता है उसका पाउडर बनाकर नारियल के तेल में मिलाकर आप अपने स्तन पर मसाज कर सकते हैं, दिन में 2 बार मसाज कर सकते हैं। और वैसे हम तीसरा आपको बता रहे हैं मेथी दाना। मेथी दाना जैसे आपको पता ही है कि हर बीमारी के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त होता है, करता है ब्लड के सर्कुलेशन को अच्छा करने में मदद करता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है, वहाँ क्या करना से बटड़ी है उसमें ब्लड अच्छा से नहीं जा रहा है या फिर अगर उसमें सूजन की प्रॉब्लम से, तो उन सारी समस्या को दूर करने में मेथी दाना काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो क्या करना है कि आपको मेथी दाना का पाउडर बना लेना है, इसको हल्का सा भून कर इसका पाउडर बना लें, सरसों के तेल में इसको अच्छे से मिलाकर फिर इस पाउडर को, तेल को अच्छे से मिलाने के बाद भी हल्का सा गर्म कर लें, रोज़ाना प्रतिदिन कंटिन्यू, कम से कम आप 1 महीने 2 महीने, जब तक आपका अच्छे से आपको रिजल्ट न मिल जाए तब तक आप सुबह शाम प्रतिदिन अपने स्तन पे इसका मसाज करें। इससे मसाज करेंगे तो देखेंगे जिनका आकार जैसे कि नीचे की तरफ अगर लटक रहा है, नीचे की तरफ झूल रहा है, स्किन काफ़ी ढीली पड़ जाती है, या फिर जिनके आकार बढ़ नहीं रहे हैं, जिनका बहुत ही छोटा है, देखने में शरीर अच्छा रहता है बट उसके हिसाब से अगर आपका स्तन काफ़ी छोटा दिख रहा है, तो इसके अगर आप मसाज करते हो, आपके फुल राउंड में मसाज करना है, मतलब चारों तरफ घुमाकर मसाज करना है, और जिनका नीचे की तरफ लटका उनको नीचे से उठाकर ऊपर की तरफ शेप में मसाज करना है, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इससे आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। ये आप प्रतिदिन कर सकते हैं, जब तक आपको अच्छा रिजल्ट ना मिल जाए तब तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। तो अगला है कि आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। हमारी बॉडी में कई सारे से पार्ट्स होते हैं जो कि एक्सरसाइज किए बिना उसका रिजल्ट हमें नहीं मिलता है। टिप्सों को अगर फॉलो करते हैं, इसको साथ में करते हैं, तो आपको स्तन बड़ा करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इजीली तरीके से कम समय में आप अपने स्तन को बड़ा कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, अपने खान पान पर भी बहुत ही ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। आप जो इसमें सूखे मेवे ले सकते हैं, जैसे काजू, बादाम, किशमिश, मुनक्के होते हैं, इस जो सारे फ्रूट्स होते हैं इसमें भी काफ़ी ज़्यादा एस्ट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, विटामिन्स होते हैं, आयरन्स होते हैं, अगर हमारे शरीर में वीकनेस कमजोरी है तो भी ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो अपने सहेलियों में, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नई जानकारी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।